वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम हैं दुबई एयरपोर्ट में। ये सारी ट्रॉलीज यहाँ लगी हैं, लगेज ज़्यादा है तो आप इसे ले सकते हैं। सामने था मेट्रो स्टेशन और ये है एंट्रेंस। ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारे एंट्रेंस हैं। सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर का बोर्ड दिखेगा, जैसे कि ये। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी कौन सी फ्लाइट है, उसके बाद आप उसी कॉर्नर में जाके उसकी लाइन में क्यू में खड़े हो जाएंगे अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए, अपने बैग को टैग करने के लिए। बोर्डिंग ये काम थोड़ा स्लो करते हैं, तो आप एक आध मतलब 3 घंटे पे तो पहले आइए ही आइए दुबई एयरपोर्ट पे, और पीक टाइम पे तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो टैग करने के बाद आप स्ट्रेट चढ़िए, आप सीधे इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपको बता देंगे। उसके बाद ब्लैक एंड ये जैसे ब्लैक एंड वाइट सूट में ये लोग खड़े होंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके के चैम्बर बनाए, यहाँ जाके आपको जस्ट अपना पासपोर्ट लगाना है जहाँ फ़ोटो है, और उसका आपके पास इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको दिक्कत परेशानी हो रही तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्राउड को फॉलो करना है। एलिवेटर से होते हुए आप जाएंगे बिना ड्राइवर की ट्रेन में बैठ के मेन एंट्रेंस में, जो एयरपोर्ट का इनका मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे भी आपको क्राउड को फॉलो करना है सो दैट आप आराम से मेन एंट्रेंस में पहुँच जाएँ। यहाँ पे आपको बहुत सारी ड्यूटी फ्री शॉप मिलेंगी। यहीं पे बहुत बड़ा एक एंट्रेंस पे ही बहुत बड़ा बोर्ड मिलेगा, यहाँ आप अपनी फ़्लाइट को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर लगी है कहाँ पर नहीं लगी है। मेरा फ़्लाइट में आने में टाइम था तो मेरे पास एक आध घंटा था यहाँ पर बैठने के लिए, 1.5 आवर था। तो ये ड्यूटी फ्री है, हाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, विंडो शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ खाना पीना है तो आप वो कुछ खा पी सकते हैं, स्नैक्स वगैरह। दिन का टाइम था, मुझे कुछ खाना नहीं था तो मैं बस ऐसे ही एक्सप्लोर कर रही थी। मैं वॉशरूम जाके आई, जनरली मैं इंटरनेशनल ट्रिप में तो यही एक्सप्लोर करती हूँ, वॉशरूम कितना हाई टेक है कहाँ का। सो फाइनली फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने चेक किया तो गेट्स मतलब लग चुके थे, फ़्लाइट लग चुकी थी, तो मैं जस्ट बोर्ड किया अपनी फ़्लाइट की तरफ। ये वीडियो मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए और थोड़ा सा आपके माइंड में ना सेट हो जाए कि ये दुबई एयरपोर्ट इस तरीके का है, इस तरीके का है। मतलब अगर हम थोड़ा देख लेते हैं ना तो तुम्हें आइडिया हो जाता है। अगर हम कभी भी अकेले ट्रैवल करते हैं तो इतना कॉन्शियस और इतना नर्वस नहीं होते, सिर्फ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आप भी इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने उन दोस्तों को, या फिर कोई भी अगर दुबई जा रहा है, अकेले जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ भी है, तो उसके दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि उसे पहले से ही पता है ये सारी चीज़ें, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए मैंने बनाया है। तो यहाँ ऑलरेडी सब लोग बोर्ड कर रहे थे, ये मेरा फ़्लाइट था स्पाइस जेट का, और ये लोग थोड़ा सा भी आपका चेक इन बैग से थोड़ा सा भी 1 किलो भी ज़्यादा हो रहा था ना, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। मेरे पास तो वैसे ही 2 किलो का था। ये देखिए अंकल लेके जा रहे हैं ना, ये तोल रहे थे और फिर लोगों को साइड कर रहे थे। सो दुबई से उठ के मैं पहुँच गई हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे, मैं वहाँ लैंड करूँगी। उसके बाद अपने 12 ज्योतिर्लिंग की शुरुआत भी मैं यहीं से करूँगी। सो भगवान का नाम लेके चलते हैं आगे। और आपको चलना सिर्फ क्राउड के पीछे पीछे है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है कैसे जाना है, इमिग्रेशन तक सब साथ जाते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद आप अपना जिस बेल्ट में आ रहा है वहाँ से उठा लीजिए। और सबसे बड़ा टास्क था मेरा कि एयरपोर्ट के बाद का सीन क्या, मतलब एयरपोर्ट तक तो आसानी से आ गए, उसके अंदर की चीज़ें भी हो गई हैं, मतलब लगेज कैरी करना ब्ला ब्ला ब्ला। अब टास्क शुरू होता है, अब कहाँ को जाएं। आप जैसे ही निकलेंगे बाहर से, वैसे ही आप लेफ्ट साइड को जाएंगे ना, तो आपको एक टनल टाइप का, सबवे टाइप का दिखेगा, और यहीं से नीचे जाएंगे तो आपको ऑटोज़ वहाँ पे लाइन में लगे हुए मिल जाएंगे। ये तो सृष्टि का नियम, सृष्टि के हर शहर का नियम है कि नए ऑटो वाले ऐसा फटका मारते हैं आपको, अगले बार से आपको पता चल जाता है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना है, मतलब शेयरिंग वाला, ठीक है। तो ये 150 का फटका 3 किलोमीटर के लिए मेरे को पड़ा, बट ठीक है, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और फ्लाइट भी बहुत लेट लैंड किया, इसलिए मैं पहुंच गई अपने हॉस्टल और बस चेक इन वेक इन किया। तो दिस इज़ सुबह का वीडियो। खाना वाना खा के मैं तो वही सो गई थी आराम से, मस्त रिलैक्स कर रही थी। सो यहाँ से सुबह सुबह मैंने आई थिंक सुबह 6 बजे मैंने, क्योंकि मुझे लोकल से जाना था इसलिए मैं मतलब 7 बजे के अप्रॉक्स मैंने चेकआउट कर दिया था। पास में ही मेरा मेट्रो स्टेशन था। अच्छा, मैं अपनी बुकिंग आइटिनरी ये बनाती ही ऐसी हूँ कि मेरा जो हॉस्टल है या होटल है ना, वो कन्वीनियंटली मेट्रो के ना आजू बाजू ही हो, चाहे वो इंटरनेशनल आइटिनरी हो चाहे वो नेशनल आइटिनरी हो। तो यहाँ पे भी हॉस्टल तो ना बिल्कुल बाजू में था मेट्रो स्टेशन के। यहाँ से मैं जाने वाली थी जो मेन लाइन है, मैं जाने वाली थी अंधेरी, क्योंकि अंधेरी से थोड़ा सा आगे था, मैं अंधेरी मेट्रो स्टेशन जाने वाली थी और फिर वहाँ से मैं लोकल लेके CST जाने वाली थी, बट मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हो गई मुंबई सेंट्रल और CST में, जो अपना बड़ा वाला मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है वो तो CST ही है, तो मुझे जाना वहाँ था लेकिन मैं मिस गाइड हो गई मुंबई सेंट्रल की वजह से। वेल
जो भी है, सम हाउ दिस अ पार्ट ऑफ जर्नी यू नो, सम हाउ मैं वेस्टर्न लाइन में चले गई थी लेकिन मुझे सेंट्रल लाइन में जाना था, फिर मैंने दादर से लाइन चेंज करी और जो थोड़ा बहुत डिस्टेंस था वो कैब से कवर कर लिया। थोड़ा पैसा खर्च होता है और क्या ही होता है, और सबक मिलता है आपको। ये है मुंबई सेंट्रल स्टेशन, यहाँ पे मैं थोड़ा लोचा हो गया था, यहाँ जब पूछा तो उन्होंने कहा कुछ है ही नहीं। फिर कैब करके फिर मैं CST गई, मुझे थोड़ा सा लॉन्ग पड़ा और मैं शॉपिंग भी नहीं कर पाई। बट यहाँ फाइनली स्ट्रगल करने के बाद, क्योंकि मेरा जो टिकट था वो CST से था और वो मतलब कैंसिल हो गया था, मेरे को दादर से भी मिल सकती थी पुणे के लिए डायरेक्ट ट्रेन, लेकिन अब मैं CST आ गई थी तो मैंने सोचा कि यहीं से चलते हैं क्योंकि यहीं से बन के चल रही थी पुणे के लिए ट्रेन। तो फाइनली 3rd AC में मेरे को मिल गया था एक सीट विंडो टिकट का तत्काल का, तो मैंने ये रिज़र्व कर लिया फटाफट, क्योंकि सुबह 10-11 बजे का टाइम था ना, इजीली मिल जाता है तत्काल, 12-1 बजे के बाद तत्काल नहीं मिलता, फिर अगले दिन का तत्काल मिलता है। तो भाई विंडो टिकट के लिए फॉर्म लेना पड़ता है, मुझे तभी पता चला। ये है आराम से, मतलब लंबी सांस ली, उसके बाद थोड़ा कुछ खाने के लिए लिया और उसके बाद पुणे के लिए हम रवाना हो गए। ये दिन तक मुझे पुणे छोड़ देगी और वहाँ से फिर हम अपनी ज्योतिर्लिंग की जर्नी है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक का सफ़र थोड़ा अप और डाउन था बट स्मूथ था। उसके बाद जब मैं पुणे पहुँची और पुणे, मतलब ये, हाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी, विस्टा डोम कोच होता है डेक्कन क्वीन में, उसके लिए पुणे भर भर के लोग जाते हैं, और विस्टा वो जो डेक्कन क्वीन होती है ना, उसका ही मैंने टिकट करा था और उसका ही टिकट कैंसिल हो गया, तो मैं मिस कर दिया इस बार। नेक्स्ट टाइम कभी भी मुंबई जाऊँगी तो मैं पुणे के लिए विस्टा डोम कोच करूँगी अपना डेक्कन क्वीन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी लोगों की, तो आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा उसको। सो ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और मॉनसून का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। यहाँ मुझे दूर से पता चला कि पुणे में मेट्रो है और उसको देख के मैं तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सो फाइनली मैंने अपना जो रुख है सीधा मेट्रो की तरफ किया, और थोड़ा सा गूगल पे सर्च करने के बाद पता चला एक्चुअली जो हमारा हॉस्टल है वो जस्ट नियर बाय मेट्रो है, मेट्रो से आई थिंक 10-15 मिनट का वॉकिंग होगा, तो चलेगा, इतना तो चल, मतलब चल सकते हैं। सो फाइनली मैं पहुंची मेट्रो स्टेशन, और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, इजीली आपको मेट्रो स्टेशन नो ना वैसे गाइड वाइड हो जाता है। टोकन लिया यहाँ से, बंट गार्डन का चाहिए था मुझे टोकन लिया, एंट्री करी और इस तरीके का खाली खाली मेट्रो स्टेशन था, और यहाँ की मेट्रो इतनी क्यूट लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन है ये, देखो इतनी क्यूट सी, इतनी छोटी सी, 3 डब्बे होंगे इसमें। बट फाइनली 2-3 स्टेशन दूर था, उसने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैं यहाँ से जाने वाली हूँ बाई वॉक। आसपास मैंने लोगों से पूछा कि किस तरह किस जगह को है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को खुद ही नहीं पता था, 3-4 लोगों ने बोला तो हम ही यहाँ पे नए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना ट्रैवल करते करते, मतलब मेरे को किसी शहर में 2 या 3 घंटे भी हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम यूज्ड टू, मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ। ये जो येल्लो वाली बिल्डिंग है यही है मेरा हॉस्टल, आज रुकेंगे हम इस हॉस्टल में, लंबी सांस लेंगे और थोड़ा नहाएंगे धोएंगे क्योंकि सुबह का इतना रश है, इतना घूम के पसीने से हालत ख़राब हो गई है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। आज का डे भी टायर्डिंग था, बट वही है, ट्रैवल तो आप कोई भी मोड से करो आप टायर्ड हो ही जाते हो। सो दैट्स इट फॉर द डे। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो यू कैन डायरेक्ट कॉमेंट। बढ़िया सा भोजन करा मैंने एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ऐसे ट्रैवल पे मैं हैवी भोजन रात को ही करा करती हूँ, और उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है भीमा शंकर के लिए। तो मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।